हे गाइस वाचिंग फॉर यू माय न्यू व्लॉग्स। तो हम केदारनाथ की यात्रा शुरू करने वाले हैं, तो बने रही हमारे व्लॉग के साथ। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम केदारनाथ की चढ़ाई कर रहे हैं। गौरीकुंड तक मैंने आपको व्लॉग दिखा दिया, आपने नेक्स्ट व्लॉग में देखा गौरीकुंड तक मेरा। तो अब हम केदारनाथ की यात्रा शुरू कर रहे हैं, केदारनाथ से पहुँच चुके हैं। और आपको यहाँ का थोड़ा व्यू दिखाता हूँ, मतलब बढ़िया व्यू है, इंटरेस्टिंग व्यू ना बहुत ज़्यादा। झरने तो इतने मिल रहे हैं बार बार, तो मैं सोच रहा हूँ यार क्या रिकॉर्ड करूँ इतने झरने रास्ते में। झरने बादल वादल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो बहुत ही कंफर्टेबल फील्स हो रहा है बैठ के। हम कम से कम 2 किलोमीटर चलने के बाद बैठे हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं ये सरकारी तबेला है, और इन सभी घोड़े वालों के लाइसेंस बन रखे हैं। हाँ जी हाँ, क्योंकि मैं भी देख के चौंक गया था, इन सबके लाइसेंस चलाने के लिए, इसी वजह से कि किसी को गेर ना दे, कुछ कर ना दे। तो जो भी घोड़ा होते हैं यहाँ से 3500 रुपये में होते हैं, तो यहाँ से ही करे, बीच में से ना करे बिल्कुल भी, क्योंकि बीच में धोखा हो जाता है। तो गाइस देख सकते हैं हमारी चढ़ाई चल रही है अभी, तीनों की, वो तीनों आगे चले गए हैं। मैं मोहित भाई वासु भाई सामने छाव में खड़े हैं। हम बैठ गए इतने ज़्यादा, अभी तो मतलब 1.5 किलोमीटर चले होंगे हम, और थकावट शुरू होगी। रेनकोट पहन रखा था, बारिश खत्म, रेनकोट भी खत्म, रेनकोट बैग में डाल दिया, और थक गए बहुत ज़्यादा हम। तो अभी भाई चढ़ाई चल रही है, और घोड़े की व्यवस्था करना चाह रहे हैं, पर हम हमारा मन नहीं मानना, मगर भाई पैदल ही चलेंगे, पैदल चलेंगे। मोहित भाई कह रहा घोड़े पर बैठो, घोड़े पर बैठो। मैंने कहा नहीं भाई पैदल चलेंगे, उधर से अत्या टाइम घोड़े पर बैठ जाइए। भाई जैसे पैदल चलने वो मज़ा आ रहा ना, बस क्या बताऊँ, पूरा इंजॉयमेंट हो रहा है। और रास्ते में लोग नहीं बना पा रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाई। गंदगी तो पूछो मत आप यार, मतलब अभी तक तो गंदगी मिल रही है हमें घोड़ों घोड़ों की, बहुत ही ज़्यादा। जो भी है बने रही हमारे ब्लॉग के साथ। अभी तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं। और यहाँ पे बार बार कभी नींबू पानी, कभी जूस, कभी नींबू पानी, कभी जूस, ये चल रहा है हमारा, वो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। आप ट्रैक देख सकते हैं यहाँ पे, पीछे का ट्रैक, कहीं कहीं छीत भी है और कहीं कहीं भीड़ भी है। तो हमें तो छीत भी चलना पसंद है भाई, और टी शर्ट तो बिल्कुल तर होगी, मतलब ऐसे नहीं छोड़े, जब मिल्खा सिंह भी छोड़ता है ना, ऐसे नहीं छोड़ सकते टी शर्ट। वासु भाई को देख सकते हैं दुकान पर कुछ खरीदारी कर रहे हैं वहाँ पर खड़े, तो खरीदारी उनके ऊपर छोड़ रखी है भाई, खरीद जाओ हमें पिला जाओ, बाद में देख लेंगे जो पेमेंट वेमेंट होगा। तो अभी हम जंगल चट्टी पर खड़े हैं, जंगल चट्टी यहाँ से 2.5 किलोमीटर है, और वहाँ पे 2.5 किलोमीटर, और अभी आगे जाकर रुकेंगे हम, जो भी होगा। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पे ट्रैक कितना साफ था, वो कहीं कहीं पे साफ था, तो ऐसा ट्रैक देख के वैसे देवी आती थी, और मन कर रहा था कि चलते रहो। बट जब भी आगे पीछे घोड़े आ जाते थे, कभी कोई पहुँच मारते, कभी कुछ, मतलब खुद ही हटना पड़ता है भाई, बंदा कोई नहीं हटाता। एक तो या तो उनकी घंटी आवाज़ सुन के हटो, या खुद ही हटो, ऐसा था। और ट्रैक तो इतना लंबा था, बस क्या बताए। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे आप भैरव मंदिर, चीर बासा ये है यहाँ पे भैरव मंदिर। तो गाइस ये रास्ता चढ़ाई करते समय ही रास्ते में पड़ता है, जंगल जट्टी से पहले राइट साइड में भैरव जी का मंदिर। तो यहाँ पे भी हमने आपको दर्शन करा दिए, देखिएगा। तो कपड़ा कपड़े बांध रखे सबने, अपनी अरदास बांध रखी थी, तो हमने फिर भी तो गाइस देख सकते हैं आप पसीने में कितनी बुरी हालत हो रही, मतलब टी शर्ट भी निकालने को मन कर रहा, टी शर्ट निकाल के फेंक दे कहाँ पे, वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही ना, बहुत ज़्यादा। ये 3 शख्स मेरे पीछे छोड़ के आ गए थे, पर मैंने इन्हें क्रॉस कर दिया। तो गाइस आप देख सकते हैं ये झरना इतनी हाइट पे था ना, मतलब बहुत तेज़ी से पानी डाल रहा था, आवाज़ आ रही थी, बस कैमरे में नहीं आ रही,
क्योंकि मैंने म्यूट कर दिया है, और बहुत ही हाइट से पानी डल रहा था, इतना मन कर रहा था देखने के लिए। तो भाई इसे कहते हैं नेचर, तो प्राकृतिक में जा रखे थे हम, बिल्कुल सब कुछ प्राकृतिक पर डिपेंड था यहाँ पे, कुछ भी हो रहा ना। तो गाइस चलते चलते थक गए, यहाँ पे चाय चल रही है हमारी, देख सकते हो आप यहाँ पे सारे सारे चाय पीने लग रहे हैं। विकास, मोहित भाई, वासु भाई, मोहित भाई तो घोड़े से उतरे अभी और फिर कह रहे घोड़े बैठ के जाऊँगा भाई, पूरा भयंकर सीन चल रहा भाई। और दिन तेरी भूख लगने लगी, चाय चल रही है यहाँ पे हमारी। विशाल भैया और वो भाभी जी दोनों पीछे रह गए और हम आराम से आ रहे हैं, तो हम तो भाई मैगी वैगी खा रहे हैं यहाँ पे रुक के। और यहाँ पे थोड़ा कुछ मतलब साफ सा भी है और ठीक है, मतलब माहौल दिखाता हूँ बैक कैमरे। ये रही हमारी चाय, और रास्ता भी बहुत दूर जाना है अभी हमें, और वहाँ पे देख सकते हो आप बादल बादल सारे। वासु भाई की तो मैगी चल रही, मोहित भाई का परांठा चलने वाला अभी थोड़ी देर। तो भाई गौर से देख नहीं सकते, अभी इन्होंने एक परांठा खाया फिर दूसरा परांठा, मैगी भी खा ली, हमारी भूख ही नहीं खत्म हो रही है जब हम क्या करें। क्योंकि बंदा घोड़े पे जाएगा फिर वह खाना को ना खा के। वासु भाई और मैं तो कम खाने वाले, क्योंकि भाई मैं पैदल चलना कभी चलते चलते दिक्कत होने लगा। और भाई को देखो चैटिंग चल गई इसकी, भाई यहाँ पे हमारा पराठा चल रहा है, मैगी वैगी तो होगी पराठा। भैया ने इतना टेस्टी पराठा बनाया ना, मतलब एक खाने वाले थे फिर दूसरा बनवा लिया, फिर दूसरा खा रहे यहाँ पे। और मोहित भाई ने तो बिल्कुल ही आज मजा कर दिया, क्योंकि घोड़े पे तुमने दोनों बैग दे दिए मोहित भाई को, मैं कहले घोड़ा भी हिल गया था तुमको, घोड़ा भी हिल गया था, क्या बोल रहे थे इनको तू, क्या बोल रहे बैठ गया घरे भी यार बैठ गए घोड़े मोहित भाई की। तो गाइस बहुत मतलब, तो गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक ये रास्ता जा रहा है इधर पुल से होके, और दूसरा रास्ता जा रहा है सीधा। तो ये पुल से जो होके रास्ता जा रहा है ये बहुत ही लंबा रास्ता है, लंबा तो नहीं है मतलब साफ़ सुथरा क्लीन रास्ता है, एकदम बढ़िया रास्ता है। और सामने वाला छोटा रास्ता है, पर इतनी गंदगी है भाई बहुत ही ज़्यादा, और सब छोटे को जाने को पसंद करते हैं, सब शॉर्ट रास्ता लेना पसंद करते हैं। तो हमने भी शॉर्ट रास्ता यहाँ पे लिया, सीधे गए हम भी, बट इतनी भीड़ इतनी बस क्या बताएं आपको, इससे अच्छा तो दूसरा रास्ता ले ले क्लीन, पर वो भी थोड़ा ऐसे ही है। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे आ चुके हम रामबाड़ा, और रामबाड़ा के दो पुल लगे, एक ये वो पुल है जो आप तो में बह गए थे दोनों पुल, तो देख सकते हैं आप पुल बनाए उसके बाद, उसके बाद दोनों नए पुल बने यहाँ पे। तो गाइस देख सकते हैं अभी वहाँ तक जाना है, जहाँ तक मैं जूम आउट करके दिखा रहा हूँ आपको, अभी वहाँ तक चढ़ाई करनी है, और उससे भी आगे करनी है। अभी तो भाई हालत इतनी ख़राब हो चुकी है ना, मतलब यंग बंदों की भी हालत ख़राब आप देख सकते हैं, बिल्कुल हम जैसों की भी। और बादल तो हमसे नीचे रह गए थे, पहाड़ ऊपर चले गए हम, बादल हमसे नीचे रह चुके थे यहाँ पे, और ये वाला ट्रैक पर भी हम चल रहे थे देख सकते हैं आप। तो गाइस जो भी आप ये देख रहे हैं ये सब बादल है, मतलब पहाड़ के नीचे बादल है सब कुछ ही, क्योंकि एकदम फोग फोग बादल है, हाथ निकाल सकते थे ऐसा धुआं था यहाँ पे। और भाई यहाँ से भी अभी कम से कम 7 किलोमीटर की चढ़ाई रह रही थी, जहाँ पे सामने आपको झोपड़ी ऐसी दिख रही होगी यहाँ से 7 किलोमीटर। तो हे गाइस अब देख सकते हैं यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुकी है, और बारिश में कुछ मेरी हालत भी देख सकते हैं आप, तो मेरी हालत भी कुछ ऐसी हो चुकी है दिखाता हूँ। तो गाइस बारिश में मेरी हालत भी कुछ ऐसी हो चुकी है, रेनकोट आगे ड्रोन को बैग बचाने के लिए फिर अपना पजामा डाल दिया मैंने, और बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो वो अब की बार पता नहीं कितना स्टैमिना आ रहा भाई कपूर सूंघने से, कपूर लेके चलना चाहिए जब भी हम चले किसी भी यात्रा पे, जिस पर चढ़ाई वाली यात्रा हो तो कपूर लेके चलना चाहिए हमें, कपूर लेके चल रहा था, कपूर सूंघते सूंघते यहाँ तक पहुँचे, स्टैमिना बन रहा था मतलब। और अब यहाँ से 3 किलोमीटर रह गए केदारनाथ, देख सकते हो आप ऊपर बहुत ऊपर जाना है हमें। तो बने रही हमारे ब्लॉग के साथ विकास की हालत खराब, विकास सबसे पहले आया हमारे में और सेकेंड पे मैं। तो भाई अभी फिलहाल चाय वाय पीते हैं, तो देखते हैं जो भी होगा। आज बहुत तकड़ी वाली चढ़ाई है, कोई आसानी से मत लेना, हम जैसों के फेफड़े फूल गए। तो भाई आसानी से आओ सबके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए कपूर ऊपर सूंघते जाओ तो बने। तो गाइस देख सकते हो आप यहाँ पे मतलब हम बादल में चल रहे थे, बादल और बारिश दोनों एक साथ थे यहाँ पे,
पूरे रास्ते में हमें कहीं बारिश नहीं मिली, यहाँ पे बारिश मिली और यहाँ पे भी थोड़ी दूर तक मिली, फिर भी हमने रेनकोट पहन के रखा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी यहाँ पे। तो जब ये कपड़े मजबूत, यहाँ पे हमारी चाय चल रही है, मैगी चल रही है, चाउमीन चल रही है, पता नहीं क्या क्या चल रही है और बहुत ही ज़्यादा थक चुके हम यहाँ पे। अब पता नहीं कौन सा स्टॉप हो गया हमारा, हमें नहीं पता कौन सा स्टॉप खाए खाए जा रहे भाई सुबह से। तो यहाँ पे चाय वाय चल रही, मैं तो मेज पे बैठा क्योंकि बैग निकाल नहीं सकता। रेनकोट का बहुत फायदा है क्योंकि सर्दी लग रही, मैं इसके अंदर हाफ पहन रहा और हाफ के ऊपर रेनकोट, बिल्कुल भी हवा नहीं और नीचे पजामा में पहन लिया, बिल्कुल हवा हवा का कोई मतलब नहीं। भाई का व्रत है और भाई ने पार्ले जी खा लिया, बिकॉज भाई का व्रत पार्ले जी खा लिया, कह रहा पार्ले जी खा लेते व्रत में, ठीक है भाई खाओ। वासु भाई वहाँ पे बैठे, चाय चल रही वासु भाई की, मैं भी चाय पीऊंगा भाई, चाय पीता नहीं मैं, फिर पी लूँ लग रहा थोड़ा मन सामा, चाय पी लूँ भाई गरम गरम। ये भैया दिल्ली से आए। तो गाइस हम जितने भी हाइट पे बढ़ते जा रहे थे, इतनी सर्दी होती जा रही थी और आप देख सकते हो जो झरने थे वो भी जम रखे थे यहाँ पे, जून के महीने में भी जम रखे थे यहाँ पे झरने। और नेचर तो इतना अच्छा था, बार बार मन कर रहा था कि रिकॉर्ड ही करता हूँ, बट इतनी ज़्यादा लंबा व्लॉग भी नहीं हो सकता था। तो बादल बादल में चल रहे थे हम सब के सब, और भाई इतना साफ़ सुथरा रास्ता हो जाता है ना ऊपर जाके, नीचे तक ठीक है बट ऊपर जाके तो इतना साफ रास्ता रहता है जैसे हेलीपैड पड़ती है वहाँ से, बहुत साफ़ रास्ता और बहुत अच्छा मन लगता है चलने में। तो गाइज आप देख सकते हैं वासु भाई किस तरह पैक है, मैं भी पैक था बट बारिश बंद हो गई यहाँ पे, ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा बस करना, क्योंकि आप लोगों को दिखाना पड़ेगा कहाँ है कहाँ नहीं है। और मैं कपूर सूंघ रहा हूँ वासु भाई कपूर, एक पता क्या बोला भाई क्या सूंघ रहा है, मैं अफीम सूंघ रहे भाई। तो भाई आप देख सकते हो पीछे का व्यू, पूरा मज़ा आने वाला है। और अभी कम से कम 4 किलोमीटर और जाना है हमें, और हम इस मेन पॉइंट पर खड़े हैं ना भाई, कसम से फुल मज़ा आ रहा है, फुल मज़ा आ रहा है। आपको हेलीपैड भी दिखाने वाला हूँ कहाँ पर हेलीपैड है। और बारिश और थी, मौसम खुल गया, बहुत बढ़िया हो गया। तो मोहित को हमने भेज दिया, मोहित की हालत ख़राब हो गई थी वासु भाई, तो मोहित को हमने भेज दिया। हम खुद दिखाता हूँ बैक कैमरे से क्या नज़ारे है पीछे के। तो गाइस देख सकते हैं आप, बादल ही बादल, बादल ही बादल, और फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा था बादलों में घूम रहे हम यहाँ पे। और आप जगह जगह देख सकते हो झील जमी पड़ी है जगह जगह। आपको हेलीपैड दिखाता हूँ, ये देखिए हेलीपैड। तो गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पे रास्ते में 3 हेलीपैड पड़ती है, तो ये सेकंड हेलीपैड थी क्योंकि कुछ दुर्घटना न हो जाए तो हेलीपैड के लिए 3 हेलीपैड बना रखे हैं रास्ते में पूरे में इन्होंने। तो पुराने वाली थी और नई वाली सबसे ऊपर है जहाँ से इतना अच्छा ट्रैक है, बहुत अच्छा ट्रैक है। तो गाइस अभी कुछ नहीं पता चल रहा कहाँ तक जाना है, तो बने रहिए हमारे व्लॉग के साथ, मिलते हैं आपसे। हे गाइस चलते चलते पूरी हालत ख़राब हो गई, अब भी केदारनाथ धाम नहीं पहुँचे, यहाँ से कम 3 किलोमीटर अभी। और यहाँ पे इतनी अच्छी झील मिली है बट उसमें पूरा बर्फ़ जमा है, दिखाता हूँ आपको गर्मियों में सर्दी का मज़ा। मोहित भाई को तो देख के पहचान सकते हो आप, गर्मी ठंड तो माननी नहीं भाई बंदे को गर्मी, बट हाँ चौमिन बहुत चल रही है हमारी, चौमिन खा खा के गर्मी आ रही है। तो आपको दिखाता हूँ पीछे से व्यू क्या व्यू है इसको, जी बोलते जी। तो गाइस ये देख सकते हैं आप पूरी झील जमी पड़ी है, देख सकते हैं आप पूरी झील को, नीचे तक ही थी कि पूरी झील जमी पड़ी है। तो गाइस आप देख सकते हैं पूरी झील जमी पड़ी है ऊपर से लेके और नीचे तक, इसको बोलते हैं पहले पे भी देखा था पहले पे वहाँ पे है ना, हाँ इसको बोलते हैं गर्मी में सर्दी का मजा। जून जून चल रहा है, जून में बर्फ जमी हुई देख रहा हूँ मैं आज फर्स्ट टाइम, और वो भी इतनी सर्दी, और ये तो आगे देखना कितनी बर्फ मिलेगी तो कुछ भी नहीं है देखने वाले। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ, ब्लॉग थोड़ा आज बड़ा होने वाला है और आज हम दर्शन ना कर पाए शायद रात को भी कर सकते हैं, कुछ पता नहीं रात का तो कुछ पक्का नहीं है वैसे, तो अभी कंफर्म नहीं है कुछ। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टॉप पे, ओके टाटा बाय। देख सकते हैं हम सब के सब केदारनाथ में एंट्री कर चुके हैं पुल पे, सबके सब किसी का फास्ट है किसी को है, हमारा कुछ नहीं है, हम तो चलते जा रहे भाई। इसके लिए हम अभी जाएंगे क्योंकि अंधेरे लाइट नहीं है यहाँ पे, अंधेरे में चलते हैं सबके सब, इमरजेंसी है बट अभी आगे काम आने वाली है। तो देखिए अभी हम एंटर कर रहे हैं सीधी केदारनाथ धाम यात्रा, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, अच्छे अच्छे व्यू थे रास्ते में दिखा नहीं पाया मैं आपको क्योंकि भाई इतनी हालत खस्ता हो चुकी थी बहुत ज़्यादा सबके।